हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने किसी प्रकार के सर्टिफिकेट को, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर स्मार्ट कार्ड हो, या फिर आपके बड़ा पेपर हो, छोटा पेपर हो, किसी भी प्रकार के टाइप के A4, A6 को लेमिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों, लेमिनेशन से हमें ये फ़ायदे होते हैं कि अगर आपका सर्टिफिकेट कहीं खो गया है, या फिर कहीं कचरे में गिर गया, पानी में गिर गया, या फिर कहीं भूल गया है, या फिर कहीं रखा गया जिस पे हम लोग कुचल देते हैं, या फिर पैर रख के जाते हैं, या फिर कहीं गिर गया हो, उसमें किसी प्रकार के दाग हो, उसको हटा सकते हैं। देखिए, अगर आप लेमिनेशन करते हैं तो आपको ये पता होगी कि आप चारों तरफ से बढ़िया से देख रहे लेमिनेशन किए जाते हैं। लेमिनेशन आप चाहे तो A6, A4, A3 किसी प्रकार के साइज को कर सकते हैं। जो अधिकतर मार्केट में आते हैं हाईएस्ट लेवल के, तो A4 आते हैं, उससे हम लोग लेमिनेशन कर सकते हैं आसानी से। लेकिन उससे बड़ा, जैसे मान लीजिए अगर ज़मीन का रसीद है, उसे वो हमारा A6 पेपर साइज आता है, उसे लेमिनेशन करने के लिए बड़े बड़े पेपर की जो झिल्ली होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है, या तो हमें सिवान या फिर कहीं और करानी पड़ती है, शहरों में करानी पड़ती है। गांव में अधिकतर लोग A4 ही ज़्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, लेमिनेशन से बहुत से फ़ायदे हैं। अगर मान लीजिए कहीं आप चले जाते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भूल ही जाता है, या फिर कहीं खो ही जाता है, उसे कोई आपका मतलब फाड़ना भी चाहे तो नहीं फटता है उस पर, क्योंकि ऊपर से झिल्ली चढ़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक सैंपल दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको लेमिनेशन करना सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लेमिनेशन के बारे में पीछे बताया, और अब मैं इसके एक सिंपल को दिखाने वाला हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि लेमिनेशन क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। मैं आपको फुल वीडियोस ये बना रहा हूँ, इसे कृपया आप फुल देखिए, जिससे आप समझ सकें कि लेमिनेशन क्यों ज़रूरी होता है, ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक बड़ा सा लेमिनेशन है, ये है लेमिनेशन, ये है। अगर हम चाहें तो इसे फाड़ना भी चाहे तो नहीं फटता है, क्योंकि उस पर झिल्ली चढ़ी होती है, और इसे हम क्या करें, अगर हम मतलब इस पर पैर में कुचल देते हैं, या फिर पानी भी डाल देते हैं, या फिर 2-3 दिन के लिए पानी में भी चला जाए, कचरे में भी चला जाए, तो कुछ इस पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फुली ये पॉलीथीन से ढका हुआ है, जो लेमिनेशन झिल्ली होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्मेट है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड को लेमिनेशन कराते हैं तो आपको इस टाइप की मिलती है, इस टाइप को। पेन कार्ड को भी कराते हैं तो उसके ऊपर से एक चढ़ा दी जाती है झिल्ली, जिससे वो स्क्रैच होने का डर नहीं रहता है। अगर मान लीजिए पेन कार्ड को कराते हैं या फिर इसी को कराते हैं, अब देख रहे हैं कि नहीं नहीं झिल्ली जो है हमारा ख़राब हो गया है, इसको एक ही उसका काट दिए जाते हैं और फिर से इसे लेमिनेशन कर दिए जाते हैं, जिससे ये हमारा टिकाऊ बन जाता है। एक टाइप से कहा जाए तो लेमिनेशन बहुत ही किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए बहुत ही यूजफुल उपाय है, जिससे आप अपने किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को आसानी से संभाल कर रख सकते हैं। अगर कहीं रख भी देते हैं तो मतलब खराब होने का डर नहीं रहता, अगर आपको मिल जाए तो, भूल जाए तो थोड़ा डर रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप लेमिनेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने लेमिनेशन मशीन पे आ चुका हूँ, और अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा जो लेमिनेशन का है मशीन है, देख सकते हैं आप इसे पलट कर भी, इसमें किस किस टाइप के सब कंपोनेंट्स लगे हुए हैं अंदर, और ये हमारा ऐसा ही आता है। मैंने स्पेशल ऐसा लिया है, जैसे मैं चाहूँ तो मैं इसे चाहूँ तो आसानी से अपने इन्वर्टर से भी चला सकता हूँ। एक टाइप का और आता है, वो हमारा होता है स्टील की, मतलब चाहे तो कहा जाए एक टाइप से तो हमारा स्टील की होती है, जिससे मैं अपने इन्वर्टर से ही उससे, अगर आप उससे लेमिनेशन करते हैं तो उसमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और इस टाइप की मशीन लेते हैं तो आप इन्वर्टर से और लाइट से दोनों से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को रखा हूँ, उसको रखा होता तो आपको दिखा देता। देख सकते हैं ये मेरा केबल है, इसका तार है, और मैं इसे डायरेक्ट लाइट में जोड़ूंगा। देख सकते हैं मैंने इसे जोड़ दिया लाइट में, देख सकते हैं। और अब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ ये कि देखिए, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं ये मेरा रेडी दिखा रहा है, और ये पावर भी जला रहा है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ तो आराम से ये मेरा हीट होगा, और मैं इसे अचानक दबा देता हूँ तो ये मेरा जल्द से जल्द हीट हो जाएगा मशीन।
जिसे हम आसानी से लेमिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ देख सकते हैं मैंने पेपर खरीदे हैं, ये हमारे पॉलीथिन से जिसे मैं डॉक्यूमेंट को लगा दूंगा, अगर आप साइज देख लेते हैं और उसी में इसे लगा सकते हैं। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक इसका नमूना, इसमें से निकाल कर देख सकते हैं ये इसमें इसको, ये हमारा एक झिल्ली है, इसे मैं बीच से ऐसे खोल दूंगा देख सकते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंट्स डालकर ऐसे मैं कर दूंगा देख सकते हैं। मैंने इसे छोड़ दिया और ये हमारा देख सकते हैं ये इसमें तो फिलहाल ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसे ऐसे बज रहा है। हाँ इसमें एक है देख सकते हैं, इसमें बहुत सी झिल्लियाँ होती है देख सकते हैं, ये हमारा पेपर है और इसको ऐसे ही खोल देते हैं और इसमें आधार कार्ड आराम से डाल देंगे और इसे आसानी से लेमिनेशन कर देंगे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसे भी करना चाहा तो मान लीजिए ये हमारा आधार कार्ड ऐसे है, ऐसे बड़ा हो या छोटा हो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसे आगे पीछे दोनों मिलाकर आप आसानी से अपने से कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियोस बना दूँगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा आधार कार्ड है ऐसे जोड़ देंगे और उसमें लगा देंगे आराम से, तो ये हमारा लेमिनेशन हो जाएगा देख सकते हैं आप ये। और उसके बाद ये हमारा दिया है लेमिनेशन पेपर जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्स को इसमें रख कर, मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है इसको इसी में रख कर लगा दूंगा, और इसे मान लीजिए लगा कर छोड़ भी देता हूँ तो इसमें मशीन में फंसने का या फिर ख़राब होने का हमें डर भाई नहीं रहता है देख सकते हैं, ये हमारा डर भाई नहीं रहता है जिससे हमारा डॉक्यूमेंट जल नहीं सकता है। इसमें लगा देते हैं अगर आप तो डॉक्यूमेंट किसी भी कीमत में आपका जल नहीं सकता तो बचा रहेगा, लेकिन ये होता है कि इसमें जो हमारा लेमिनेशन होता है वो बहुत ही धीरे होता है, उतना फास्ट नहीं हो पाता है। फिलहाल मैं यहाँ पर एक निकाल रहा हूँ बड़ा सा देख सकते हैं, ये भी पेपर साइज आता है A4 ये हमारा है, और इसमें मैं आप सभी को दिखा देता हूँ देख सकते हैं, इसमें से मैं आप लोगों को एक निकाल के दिखा देता हूँ। ऐसे हमारे पास बहुत है देख सकते हैं, इतना सब झिल्ली है जिसे मैं आसानी से लगा कर लेमिनेशन कर सकता हूँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ये हमारा पेपर है। और उसके बाद मैं यहाँ से फिलहाल डॉक्यूमेंट एक निकाल रहा हूँ और लेमिनेशन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने एक पेपर निकाल दिया देख सकते हैं, ये हमारा है एक निवास है, ये सीता देवी के नाम से है देख सकते हैं, मैं इसे ये इसमें डाल देता हूँ देख सकते हैं। इसे कैसे लगाना है, एक है इसमें बीच में से खुलेगा, इसको ऐसे लगा देना है, लगा देना है। और उसके बाद देख सकते हैं हमें देखना है ऐसा भी कि इसमें स्पेस रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए इसमें कभी कभी वीड भी चला जाता है, वायु वगैरह जाता है देख सकते हैं। ये हमारा पूरा बराबर हो चुका है, साइड साइड से मिला लेना चाहिए कि स्पेस है या नहीं जिसे हमारा बढ़िया से सट सके। अब देख सकते हैं मैंने फिलहाल हमारा ये जो मशीन है रेडी हो चुका है, इसमें दिखा रहा है, अगर रेडी हो जाता है तो ये हमारा जो बत्ती चलता है देख सकते हैं, मैंने इसे यहाँ से आराम से लगाया। अब देख सकते हैं ये आराम से ऑटोमेटिक चला जाएगा, एक बार लगा के छोड़ दीजिए। और अगर आपका डॉक्यूमेंट लगता है कि हाँ बहुत ही ज़रूरी है महत्वपूर्ण है, मतलब उसे जलने नहीं देना है, तो आप इसे लगे रहें, जिससे मान लीजिए कभी फंसता भी है तो आप इसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लगा दिया हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट निकालना है, लग रहा है कि ना मुझे ख़राब हो जाएगा, तो हम इस चाहे तो दबा के निकाल सकते हैं ऐसे इस बटन को। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाइए पहले ये निकल जाए, आसानी से ऑटोमेटिक ही निकल जाता है, ये बहुत ही बड़ी मशीन है। इसे मैं चाहूँ तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को मैंने साइज दिखा दिया है, आप उसे आसानी से लेमिनेशन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं देख सकते हैं। ये हमारा मशीन जो पड़ती है ये 1800 रुपये पड़ती है, और पेपर का दाम अलग से आता है, एक पे आराम से अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप आधार कार्ड करवाते हैं तो 10 रुपये कहीं भी दिए जाते हैं, बड़ी वाली कराते हैं तो 15 रुपये दे सकते हैं या फिर 10 रुपये भी दे सकते हैं, और सबसे बड़ी वाली ये फुल कराते हैं तो ऐसे जनरली लोग 20 रुपये लेते हैं, आप चाहें तो 15 रुपये भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें देख सकते हैं आप। इसमें ये हमारा फिलहाल ये डॉक्यूमेंट निकल चुका है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग निकल चुका है हमारा डॉक्यूमेंट, ऑटोमेटिक अपने से ही निकले। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है जलना नहीं चाहिए और इसमें फंसना नहीं चाहिए देख सकते हैं, ये निकल गया है। अभी हमारा ये उतना चिपका नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सा चिपक गया है देख सकते हैं आप, ये बाहर से हल्का सा भी स्पेस नहीं, इसलिए मैं इसे मशीन को बहुत ही बढ़िया धन्यवाद देता हूँ। ये कंपनी जो है एक्सक्लेम PL12 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये PDA यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बीच में से ही आपको डॉक्यूमेंट खींचना हो तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे फिलहाल में लगा देता हूँ मैं देख सकते हैं आप। अगर आपका एक बार लेमिनेशन नहीं होता है तो आप इसे 2-3 बार लगाकर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इतना ही से मुझे खींचना हो तो आप देख सकते हैं यह डॉक्यूमेंट मेरा, और यहाँ पर एक मेरा बटन दिया हुआ है, मैं आपको बाद में दिखा, इधर दबा देना है हमें इधर, और इसे आसानी से खींच सकते हैं।
अगर आप इसे दबा सक इसमें लगा देते हैं और आप कितना भी खींच ले तो जल्दी नहीं खींचाता है, बहुत दिक्कतें होती है। ऐसा ऐसा भी खींच सकते हैं लेकिन खींचता जाएगा आपको उधर, इसलिए आप नहीं खींच सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा भी खींचा गया है उधर तो आप इसे इसको इधर खींच कर इधर इधर खींचना है, इधर ऑटोमेटिक जाता है। इधर खींच कर कितना भी चला गया हो तो ये आपको रोक देगा और हल्का सा स्पेस दे देगा जिससे आप डॉक्यूमेंट को आसानी से खींच सकते हैं। थोड़ी हो सकती है दिक्कतें, देख सकते हैं ये हमारा बटन है, ये हमारा जिसको मैंने ऐसे करके खींच रहा था, ऐसे कर देना है, ये ऑटोमेटिक उधर चला जाता है। ऐसे कर दीजिए और डॉक्यूमेंट जितना भी लगाए हैं अगर आप यहाँ से लगाते हैं डॉक्यूमेंट लेमिनेशन का तो नहीं लगेगा क्योंकि बाहर ही फेंकता है, इधर से फेंकता है उधर से लेता है, देख सकते हैं इसको ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं, देख सकते हैं आप बाहर ही फेंक रहा है उल्टा में, तो ऐसे हमारा आ रहा है डॉक्यूमेंट। इसलिए हम चाहते हैं, हम कहना चाहेंगे कि आप यहीं से डॉक्यूमेंट उसको लगाएं यहीं से और आप आसानी से लेमिनेशन करें। तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगी होगी, देख सकते हैं आप कैसे सामने ही लेमिनेशन हो रही है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि मैं आप सभी को साइबर कैफे से रिलेटेड जितना भी कार्य होते हैं सभी को सिखाऊं, तो आप चाहते हैं कि देखिए यहाँ से देखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट हमारे से यहाँ से फंसना नहीं चाहिए, निकल ही जाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी में शुरू में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है लेकिन अब अगर आप लगातार करते जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कभी फंसेगा नहीं, आप इसके बारे में सब जानेंगे, आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप जल्द से जल्द लेमिनेशन कर सकते हैं। आपको पति होनी चाहिए, देख सकते हैं ये मेरा जो है ज़्यादा पकड़ता है इसलिए मैंने यहाँ पर एक दाग लगा दिया जिसके बीच में मैं आधार कार्ड लगाता हूँ, एक बार मैं ही उसे स्कैनिंग नहीं लेमिनेशन में आसानी से कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये। तो आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए और साथ ही शेयर करना ना भूलें ताकि ये और भी हमारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल वीडियोस हो। मेरा ये मानना है कि मैं आप सभी को साइबर कैफे से रिलेटेड जितना भी कार्य हो, फोटो वगैरह जितना भी ऑनलाइन का काम हो सबको मैं सिखाऊंगा आपको, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख सकते हैं मैं थोप में ही अपना वीडियोस बना रहा हूँ, देख सकते हैं ये हमारा फिलहाल हो गया है रेडी। अब मुझे ये हमारा बहुत ही हीट है, मैं आपको दिखा नहीं सकता कितना हीट है, इसलिए मैं यहाँ पर या फिर कहीं पर भी इसे आसानी से ठंडी जगह पर रख देता हूँ और ये आसानी से अपने से हो जाएगी ठंडी, उसका टाइट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसे आसानी से रख सकता हूँ। मिलता है।